नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा, परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर द्वीप का नाम। परिजनों ने कहा जगह देखने की इच्छा। राजा के झारखंड के गौरव परमवीर अल्बर्ट एक्का का नाम अब एक द्वीप के रूप में अपनी पहचान रखेगा। अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका ऐलान किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह खास आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े आराम द्वीपों के नाम पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इस सूची में एक नाम लांस लायन अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी रखा गया है। बाबा नगरी से झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी का उलगुलान, चाईबासा और राजमहल सीट पर फोकस। बचले कि इससे पहले पार्टी आओ भी कुछ करे, और यहां पे देख सकते हैं कि देवघर के मैहरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक सोमवार को शुरू हुई है। बैठक में सुभाष चंद्र बोस जयंती में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ उलगुलान का निर्णय लिया है। बैठक में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की दो लोकसभा सीट चाईबासा और राजमहल से अधिक फोकस करना है। इन दोनों सीटों पर ग्रास रूट के स्तर पर अभी से काम शुरू होगा। हर मंडल में विस्तार की नियुक्ति होगी वह संगठन का काम जड़ तक मजबूत करना है। दोनों सीट पर नाराज कार्यकर्ताओं से मिलना है। हर मंडल में कैंप कर घर घर भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे। हर दिन के कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा होगी। वह केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली तक रिपोर्ट जाएगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ नाराज नेताओं ने खोला मोर्चा, कई कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना। बचले कि प्रदेश कांग्रेस का विवाद गहरा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को विभिन्न जिलों के नेता व कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। सभी दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित आला नेताओं से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। खूंटी के तोरपा में PLFI में के 6 नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदले खूंटी के तोरपा में नक्सली संगठन PLFI के 6 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन नक्सलियों के पास से देसी कट्टा समेत नक्सली पर्चा बरामद किए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, पलामू के गठौतिया कोल माइंस में गिरकर एक ग्रामीण की मौत। अचले के हिंडालको कटौलिया कोल माइंस में गिरकर एक ग्रामीण की मौत की खबर आ रही है। इसके विरोध में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुरक्षा बलों व माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 घंटे तक होती रही फायरिंग, खुद को कमजोर पड़ता देख भागे उग्रवादी। बचले की सोमवार को पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जिले के मरगढ़ा जंगल में दोनों ओर से रुक रुक करीब 1.5 से 2 घंटे तक गोलीबारी होती रही। हालांकि इसमें किसी को कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। बताया कि चतरा में सोमवार को पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। जिले के मरगढ़ा जंगल में दोनों ओर से रुक रुक कर करीब 1.5 से 2 घंटे तक गोलीबारी हो रही है। हालांकि इसमें कोई भी क्षति नहीं हुई है। अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए उग्रवादियों ने जंगलों का लाभ उठाकर वहां से किसी तरह भागने में सफल हो गए। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में सर्वसम्मति से पास हुआ राजनीतिक प्रस्ताव, हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का किया गया ऐलान। अजरेक भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दुमका लोकसभा सदस्य सुनील सुरेन ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने इसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 2024 के लोकसभा में सभी सीट भाजपा की होगी। सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में विस्तृत सुनवाई 25 को। विज्ञापन की शर्तों में बदलाव को दी गई चुनौती। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर बेंगरा की खंडपीठ में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बहस की गई। वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने अदालत को बताया कि
विज्ञापन जारी होने के बाद शर्त में बदलाव नहीं किया जा सकता। जेपीएससी ने ऐसा करके नियमों का उल्लंघन किया है। जेपीएससी ने वैसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक ITPI इंस्टीट्यूट ऑफ टॉप प्लानर ऑफ इंडिया का पंजीकरण प्राप्त नहीं था। वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, नर्सिंग होम कर्मियों पर आदिवासी महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, ग्रामीण ने क्लिनिक में की तोड़फोड़। जामताड़ा के बिनाहा फाटक में एक प्राइवेट नर्सिंग होम सेवा सदन में दो कर्मियों पर एक आदिवासी महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की जानकारी पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने पूरे नर्सिंग होम को घेर लिया और स्टाफ को निकालकर भारी भारी से जमकर पिटाई शुरू कर दी। तो वहीं अवैध खनन मामले में ईडी ने 7 घंटे तक की साहिबगंज डीसी से पूछताछ, सवालों से दिखे सहज जवाब देने के लिए मांगा समय। बरसंताल में 1,000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के समन पर सोमवार को साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव ईडी के कराची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे। ईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। तो वहीं आपको पता चले कि 2 दिवसीय चाईबासा दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे झामुमो विधायक। बाचले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने 2 दिवसीय चाईबासा दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को देखते हुए प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तैयारियां जो पर हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री इस दौरे पर किसी तरह की कमी रह जाए। बाचले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 दिवसीय चाईबासा दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन और झामुमो दोनों ही खूब तैयारियां कर रहा है ताकि इससे सीएम हेमंत सोरेन को कोई भी दिक्कत का सामना ना कर पड़े और कोई भी कमी देखने को ना मिले। इसमें कार्यस्थल पर लगभग 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई हैं। वहीं VIP और मीडिया गैलरी अलग अलग बनाई गई है। कार्यक्रम स्थल पर ही दूर बैठने वालों के लिए 4 LED स्क्रीन भी लगाई जा रही है जिससे लोग मुख्यमंत्री को आसानी के साथ सुन और देख सके। कार्यक्रम स्थल के पीछे कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, सीएम हेमंत के खिलाफ आपातजनक टिप्पणी का पोस्टर लगाने के मामले में भाजयुमो के नेताओं पर केस दर्ज। बचले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपातजनक स्लोगन के साथ पोस्टरबाजी के आरोप में देवघर नगर थाना में भाजपियों के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी एवं भाजपियों अब जिलाध्यक्ष अतुल सिंह पर FIR दर्ज किया गया है। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय शर्मा के आवेदन पर दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। बताया कि FIR दर्ज होने के बाद सुबह 11 बजे पुलिस ने भाजपियों जिलाध्यक्ष अतुल सिंह को देवघर के एक होटल से पार्टी की बैठक में के दौरान हिरासत में ले लिया। इसके बाद अतुल को नगर थाने में लाकर पूछताछ की गई। 8 घंटे बाद शाम करीब 7 बजे अतुल को पुलिस ने PR बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, स्थायीकरण मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालेंगे बन्ना गुप्ता। कदमा में मंत्री की आवाज पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारियों की समस्याओं पर सकारात्मक विचार विमर्श। बचले के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों को रविवार को आश्वासन दिया था उनके स्थायीकरण की मांग को लेकर के वे विभाग के प्रधान सचिव से बात करेंगे। इससे पहले अनुबंध कर्मियों ने इसी मुद्दे पर कदमा स्थित बन्ना गुप्ता की आवाज़ का घेराव किया। अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक काम पर नहीं लौटने की चेतावनी भी दी। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने आर पार की लड़ाई की घोषणा की। आवाज़ घेराव के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुनारी दोमुहानी घाट पर थे। तो वही हम बात कर ले नई शिक्षा नीति को लेकर के, तो यहाँ पे नई शिक्षा नीति IIM में लगेगी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की क्लास। पहले चरण में 80 प्रिंसिपल की 5 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी। वैसे कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति से पढ़ाई की जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में स्कूलों के प्रिंसिपल की क्लास होगी। इसमें एकेडमी के साथ साथ प्रशासनिक टिप्स दिए जाएंगे ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए सिलेबस की पढ़ाई स्कूलों में की जा सके। नई रेल लाइन बिछाने की योजना तैयार हो चुकी है। धनबाद गिरिडीह के बीच बिछने वाली नई रेल लाइन की DPR मई तक होगी तैयार। बता कि धनबाद गिरिडीह के बीच नई रेल लाइन बिछाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस यार के निर्माण विभाग की ओर से करीब 70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का DPR तैयार किया गया जा रहा है। DPR को इसी वर्ष मई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसकी स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही निर्माण विभाग की आर से रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। धनबाद से गिरिडीह के बीच बिछाई जाने वाली यह रेल लाइन
एक समय नक्शा प्रभावित रहे, टुंडी से होकर गुजरेगी। टुंडी में रेलवे स्टेशन बनाने की भी योजना है। बहुप्रतीक्षित योजना, झारखंड में भी खुलेंगे पीएम श्री स्कूल। केंद्र से MOU करने आगे बढ़ी सरकार। बचले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित योजना पीएम श्री स्कूल। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रिजाइनिंग इंडिया PMSHRI झारखंड में भी खुलेगा। केंद्र सरकार से MOU करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ी है। 5 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। इसके बाद कई राज्यों ने MOU कर अपने यहां के स्कूलों के चयन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, पर झारखंड में इस मामले में कोई भी संवैधानिक निर्णय नहीं लिया गया है था। पिछले महीने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर निराशा व्यक्त की थी। बाचले के 2 दिवसीय चाईबासा दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे झामुमो विधायक। बाचले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को खतियाई जोहार यात्रा में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय चाईबासा दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को देखते हुए प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तैयारियां जोरों पर हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री के इस दौरे में किसी तरह की कमी आए। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद आई, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबर लेकर के मैं आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, पहले जुड़े रहे JD मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।